गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन टू द मिसिंग विजल, लापता सिटी। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैबिट के घर पिगलेट आता है, यानी सुअर का बच्चा आता है, उसे देखकर ही यहाँ पर पिगलेट कहता है कि यहाँ पर कितना सब कुछ फैला हुआ है। रैबिट उसे कहता है कि मैंने अपनी सिटी खो दी है, और दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तो रैबिट जो है वो अपने अलमारी में ढूंढने लगता है, और पिगलेट जो है वो टेबल के नीचे और स्टूल के नीचे ढूंढने लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पिगलेट को या रैबिट को वो सिटी मिली या फिर नहीं मिली। ब्रदर, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ग्रम्बल्ड रैबिट। व्हेन ही टर्न अराउंड ही कुडंट फाइंड पिगलेट आइदर। डू यू नो वेयर पिगलेट इज, वेयर आर यू, ही आस्क्ड। ब्रदर यानी भाई, फाइंड यानी ढूंढना, एनीवेयर यानी कहीं नहीं। भाई मुझे यह कहीं नहीं मिल रहा है, कौन बोल रहा है? रैबिट बड़बड़ाते हुए कहता है रैबिट कि भाई मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। व्हेन ही टर्न, जब वह मुड़ता है, अराउंड मुड़ता है, ही कुडंट फाइंड पिगलेट, वह पिगलेट को नहीं ढूंढ पाता है। ठीक है, जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पिगलेट नहीं था। आइदर या तो, डू यू नो वेयर पिगलेट इज, क्या आप जानते हैं पिगलेट कहाँ है? वेयर आर यू, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम कहाँ हो। किसने पूछा? खरगोश ने पूछा पिगलेट को कि तुम कहाँ हो। ठीक है, जो खरगोश है वो सामान ढूंढते रहता है अपने अलमारी में, और ढूंढते ढूंढते वो बोलता है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, वैसे बड़बड़ाते रहता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर पिगलेट उसको नहीं दिखाई देता है, और नहीं दिखाई देता है तो खरगोश जो है उसको पूछता है कि तुम कहाँ हो। आई एम हियर, सेड पिगलेट, स्क्रम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम। I didn't find the weasel, he said. I am here, मैं यहाँ हूँ। I am here, मैं यहाँ हूँ, said piglet, piglet ने कहा। Scrambling out of the pile of things rabbit had thrown over him यानी उनके ऊपर। ठीक है, खरगोश ने उसके ऊपर फेंकी हुई चीजों के ढेर से बाहर निकाला। किसको निकाला? पिगलेट को। ठीक है, कैसे अंदर चले गया? देखो, आपको इमेज में साइड में दिखाई दे रहा है, जब खरगोश जो है वो अपना सीटी को ढूंढ रहा होता है अलमारी से, तो अलमारी का सारा सामान को वो फेंकते हुए नीचे गिराते हैं। तो वो कहाँ पर गिरता है? पिगलेट के ऊपर, और ऐसे गिरता है कि पिगलेट जो है वो पूरा ढक जाता है उस सामान से। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा है, पिगलेट जो है वो ऐसे झांकते हुए बोल रहा है कि मैं यहाँ आऊँ। ठीक है, वो पूरा सामान से वो क्या हुआ था, ढक गया था, इसलिए खरगोश जब पीछे मुड़ा तो पिगलेट उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो कहाँ था, वो तो सामान के नीचे दबा हुआ है ना। तो वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ, और उस जब वो सुनता है कि जब वो देखता है कि खरगोश जो है, पिगलेट जो है सामान के नीचे दबा हुआ है, तो खरगोश जो है वो क्या करता है, पूरे सामान को हटाते हुए पिगलेट को बाहर निकालता है। I didn't find the weasel, he said. मुझे सीटी नहीं मिली, he said, किसने कहा? उसने कहा। ठीक है, किसने? खरगोश ने। Well, we'd better tied up now and have some tea, said rabbit. Well, यानी कि ठीक है। He picked everything up and put them in the cupboard. Even Piglet, did they find the weasel? Well, यानी बेहतर है, ठीक है, ठीक है। We'd better tidy up now. अब बेहतर होगा कि हम साफ सफाई कर लें, and have some tea, और कुछ चाय पी लें। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि सीटी तो मिल नहीं रही थी। अब मिल नहीं रही है तो अब क्या करें? वैसे कहता है कि ठीक है, अब सिटी नहीं मिल रही है, और सामान इतने सारे फैल चुके हैं, तो हम अब सफाई कर लेते हैं, और इतने थक चुके हैं कि चाय भी पी लेते हैं। तो किसने कहा? सेड रैबिट, रैबिट ने कहा। ही पिक्ड एवरीथिंग अप,
and put them in the cupboard even piglet. He picked. उसने उठाया किसको? Everything, सब कुछ उठाया. उसने सब कुछ उठाया and और put them in the cardboard. Cardboard यानी sorry cupboard यानी क्या? अलमारी. और अलमारी में सब कुछ डाल दिया, रख दिया. Put यानी रखना. उसने सब कुछ अलमारी में रख दिया. Even piglet, piglet ने भी यही काम किया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि खरगोश जो है वो पूरे सामान को ढूंढता है. ढूंढते ढूंढते वो बोलता है, बड़बड़ाते हुए कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है. जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पिगलेट भी गायब हो जा रहता है. पिगलेट वहाँ पर नहीं होता है. तो वो खरगोश जो है वो उसको पूछता है कि तुम कहाँ हो. पिगलेट जो बोलता है कि मैं यहाँ हूँ. कहाँ हूँ? सामान के नीचे. जब वो देखता है कि पिगलेट जो है सामान के नीचे दबा हुआ है तो वो क्या करता है, उसका हाथ खींचते हुए उसको बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर विजल नहीं मिली. जब विजल नहीं मिलती है तो कहते हैं कि ठीक है, अब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, पूरी साफ सफाई कर लेते हैं और इतने थक चुके हैं तो कि थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं. ऐसा कहते हुए रैबिट कहता है, he picked everything up. और वे सब कुछ सामान को उठाते हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा, सामान को उठाते हैं और कहाँ पर रख रहे हैं, अपने अलमारी में पूरा रखते जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा. डिड दे फाइंड द विजल, क्या उस उन्होंने क्या उनको सिटी मिली. रैबिट फेस्ड अ बाउल ऑफ पोहा ही डिड मीट. द स्मेल्स नाइस, सेड पिकलेट क्लिम्बिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड. रैबिट यानी खरगोश ने पोहा का कटोरा लाया जो कि उसने ही बनाया हुआ था. खरगोश, आपको इमेज में दिख रहा है साइड में कि उस जो है रैबिट जो है वो पोहा का कटोरा जो बाउल है उसको लेके आता है. ठीक है, जो कि उसने ही बनाया होता है. दैट स्मेल नाइस, सेड पिगलेट. पिगलेट कहता है कि यह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, जो पोहा बनाया रहता है उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है. तो पिगलेट यही कहता है कि यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. क्लिम्बिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड, अलमारी से आपको दिख रहा होगा इमेज में, अलमारी से क्या होता है वो बाहर निकल रहा होता है क्योंकि अलमारी में जो है वो सामान रख रहे होते हैं. तो अलमारी में बैठते हुए वो क्या करता है, सामान को रखता है और जब पोहा की खुशबू उसको आती है तो वो अलमारी से बाहर निकलता है. रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा व्हेन ही बिट ऑन समथिंग हार्ड. माई विजल ही क्राइड, इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, लाफ्ड पिगलेट. रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा, रैबिट पोहा खा रहा था. वैन ही बाइट ऑन समथिंग हार्ड, उसने काट लिया कुछ हार्ड, मतलब कुछ कठोर उसने काटा. ठीक है, जब वो पोहा खा रहा था तो उसने कुछ कठिन कुछ हार्ड यानी कि कुछ बहुत ही कठोर चीज़ उसने खाया. माई विजल ही क्राइड, मेरी सीटी वह रोया. इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा, वो पोहा ऑल द टाइम, वो हर समय पोहा में छुपा रहता था. लाफ पिगलेट, पिगलेट हंसा. बताओ कहाँ मिला विजल, जो उसने पोहा बनाया हुआ था उसी में ही छुपा हुआ था. जब वह पोहा खाता है तो उस पर ही वो चापता है ना, जब बाइट लेता है तो उसको हार्ड लगता है वही चीज़ जो विजल उसकी, तो वो देखता है और उस क्या करता है, मेरा विजल है करके रोने लगता है. उसको क्या मिलता है, उसका विजल मिल जाता है. कहाँ रहता है, पोहा के, और हर समय जो है पोहा के अंदर छुपा रहता है. ठीक है, यह देखते हुए क्या है, पिगलेट जो है बहुत ज़ोर से हंसता है, लाफ करता है, यानी लाफ यानी हंसना, बहुत ज़ोर से हंसता है. तो यह हमारा लेसन था. इसकी स्टोरी क्या थी कि एक खरगोश है और एक पिगलेट है. ठीक है, खरगोश जो है वो अपनी सीटी को घुमा देता है और उसको ढूंढने के लिए पिगलेट भी उसकी हेल्प करता है. खरगोश जो है वो ढूंढते ढूंढते सारा सामान जो है वो पिगलेट के ऊपर डाल देता है. पिगलेट जो है वो उसके सामान से ढक जाता है. फिर वो बोलता है कि पिगलेट कि मैं यहाँ हूँ. उसको देखते हुए खरगोश जो है वो पूरा सामान को हटाता है और वो थक जाते हैं तो कहता है कि अब थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं. चाय पीते पीते उसने क्या किया, रैबिट ने, कि पोहा का एक बाउल भी ले आया. पोहा खा, जब वो पोहा खा रहे थे तो उसमें ही जो सीटी छुपी हुई थी, जिसको देखकर खरगोश जो है वो रोने लग जाता है और
यह सब देखते हुए पिगलेट हंसने लगता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर विजल कहाँ पर मिला, पोहे पर मिला। ठीक, इसका जो वर्ड मीनिंग है उसमें क्या क्या आया है, पिगलेट एक यंग पिग यानी क्या हुआ, पिगलेट यानी सुअर का बच्चा। ठीक है, मैस यानी बिखरना, ग्लैम्बर्ड शिकायत या फिर बड़बड़ाना, स्क्रम्बलिंग हाथ पाँव मारना, पाइल ढेर, टैडी अप थका, क्राय रोना। रीडिंग कंप्रिहेंशन में देखते हैं हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। टिक द करेक्ट आंसर, व्हेन पिगलेट कुडंट ओपन द डोर ही। मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सही जवाब पर सही निशान लगाना है। जब पिगलेट दरवाजा नहीं खोल सका तो उसने क्या किया, नॉक द डोर, पुश द डोर, किक द डोर, वैन बैक। उसने डोर को नॉक किया या डोर को धक्का दिया या दरवाजा को लात मारी या किक मारा और वैन को बैक वैन बैक वापस चला गया। तो उसने क्या किया, पुश किया था, उसने दरवाजा को क्या किया था, पुश किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, पुश द डोर। सेकंड क्या है हमारा, पिगलेट वेंट टू सी द रैबिट, पिगलेट खरगोश को देखने गया, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। कब गया पिगलेट जो है रैबिट को देखने, कब गया, लंच के बाद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी नंबर में आफ्टर लंच। रैबिट लॉस्ट हिज विजल एट नाइट, इन द इवनिंग, एट नून, इन द मॉर्निंग। कब गया, कब उसने विजल को खोया, रात को, रात में या फिर शाम को या फिर दोपहर में या फिर सुबह, कब खोया उसने, सुबह। तो यहाँ पर डी नंबर आ जाएगा, इन द मॉर्निंग।